वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक हिना का रिव्यू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिना जो है हम सभी अपने बालों में समय समय पर लगाते रहते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि बाल ग्रे होने से रुके, बल्कि इसलिए कि बालों में शाइन बनी रहे और बालों की ग्रो जो है वो अच्छी होती रहे। तो आप मेरे बाल देख सकते हैं कि मेरे बाल कैसे हैं। तो चलिए आज जो है मैं शुरू करती हूँ हिना का रिव्यू। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है मेहंदी, यानी कि हिना प्रीशियस और नेचर। प्रीशियस और नेचर की ये हिना है। आप इसे अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। एपी पर इनका पेज है, इंस्टाग्राम पर इनका पेज है, इनकी खुद की वेबसाइट है, आप इनसे भी इसे ले सकते हैं, जिनका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसे देख लीजिएगा। सबसे अच्छी बात जो है इस हिना की, ऑर्गेनिक है। आजकल आप देख रहे हैं कि हर चीज़ में इतनी ज़्यादा मिलावट आ रही है, तो हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे पास जो भी चीज़ आए वो ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो, क्योंकि मिलावट वाली मेहंदी अगर हम लगाते हैं थोड़ी सी सस्ती के चक्कर में तो क्या होता है, हमारे बाल डैमेज होने लग जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं और असमय सफ़ेद होने लग जाते हैं। फिर हम अक्सर कहते हैं कि मेहंदी लगाने से जो है बाल ड्राई हो गए, बाल हमारे ख़राब हो गए, मेहंदी से बालों में इचिंग होने लग जाती है, खुजली होने लग जाती है। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते हैं तो आपको ये सारी समस्याएँ बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो सबसे पहली बात जो है ये मेहंदी ऑर्गेनिक है। और दूसरी अगर मैं बात करूँ तो जब हम मेहंदी लगाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो है हमें उसमें मिलाने पड़ते हैं, जैसे कि आंवला पाउडर, शिकाकाई पाउडर, कॉफ़ी, लेमन, पता नहीं क्या क्या, फिर भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो हम एक्चुअल में चाहते हैं। कभी बाल ड्राई हो जाते हैं तो कभी डैंड्रफ हो जाता है, कभी हम देखते हैं कि बाल जो है टूटने लग जाते हैं। लेकिन अगर हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जिसमें सारी चीज़ें बिल्कुल ऐड हैं और बिल्कुल नेचुरल हैं, तो इसमें मैं बता देती हूँ कि ऐसी क्या तीन चीज़ें मिली हुई हैं इस मेहंदी में जो आपके बालों को स्मूथ बनाएंगी और ब्लैक बनाएंगी। ब्लैक मीन्स आपके बाल ग्रे हैं तो वो ब्लैक हो जाएंगे, जैसा कि मेहंदी से हो जाते हैं, और अगर आपके बाल वाइट हैं तो वो ब्राउन कलर के हो जाएंगे, मतलब एक अच्छा सा कलर आपको मिलने वाला है। तो चलिए मैं बता देती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो है, सबसे पहला है हिबिकस। हिबिकस जो है एक फ्लावर होता है, आप जानते हैं कि उस फ्लावर को जो है हम लोग अक्सर सुखा कर जो है उसकी जो पत्तियां हैं उसका चूर्ण बना लेते हैं और उसको मेहंदी में मिलाने से जो है बाल बहुत अच्छे होते हैं, तो वो इसमें मिला हुआ है। इसके साथ साथ आंवला और भृंगराज भी इसमें मिला हुआ है। तो आंवला और भृंगराज जो है हम सभी जानते हैं बालों के लिए कितना ज़्यादा उपयोगी होता है, उससे बाल काले, घने और बहुत ही खूबसूरत बनते हैं। अब जो है इसकी बात करें तो ये जो है आपके बालों को असमय सफ़ेद होने से, ग्रे होने से बचाता है। और अगर आपके बाल ग्रे हो चुके हैं तो प्लीज़ से इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए, क्योंकि ये आपके बालों को बिल्कुल नेचुरल कलर देने वाला है। आप देख सकते हैं मेरे बालों में, और सबसे बड़ी बात कि ये बालों को कंडीशनर करता है। जब आप हेयर वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि बाल आपके कितने स्मूद हो चुके हैं। तो बस इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस पानी लेना है, नो कॉफ़ी, नो चाय की पत्ती, ना ही बिल्कुल लेमन वगैरह, कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, बस इस पैकेट को ओपन करना है और इसमें से मेहंदी आपकी जितनी इच्छा है, 2 चम्मच 4 चम्मच जितने आपके बालों की लेंथ है, जैसे आपके बाल हैं उस हिसाब से निकालिए और ठंडे पानी में इसे मिक्स कीजिए। 1 घंटे के लिए इसे रख दीजिए और फिर इसे 2 घंटे के लिए अपने बालों में लगा लीजिए और फिर आप एक नॉर्मल वॉश ले लीजिए, तो आप जानेंगे कि आपके बाल जो है कितने खूबसूरत हो गए हैं। तो चलिए चलते हैं, करते हैं आगे का प्रोसेस। ये देख रहे हैं ये मैंने मेहंदी ले ली है। अब इस मेहंदी में से जितना मुझे नीड है वो मैं ले लेती हूँ। ये देखिए, तो ये जो है इस मेहंदी की सबसे अच्छी खासियत यही है कि देखिए ऑर्गेनिक है, और ये इसकी पैकेजिंग आप देख रहे हैं किस तरीके से, मतलब बिल्कुल भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं है, ब्राउन पेपर में ये पैक आई है। और अब इस मेहंदी का कलर देखिए आप, नेचुरल जो कलर होता है, बिल्कुल इसमें कोई भी रंग नहीं मिला हुआ, और इसकी जो खुशबू आप देखेंगे ना तो एकदम मतलब बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात जो है इस मेहंदी में कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है कि पानी लेना है और आपको जितनी नीड है आप उतना पानी मिलाइए और बस आपकी मेहंदी तैयार हो गई। देखिए हमारी मेहंदी जो है मिल चुकी है, और इसको जो है मैं 1/2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी और फिर इसे जो है आप अपने बालों पर लगा सकते हैं।
तो आप लोग भी ट्राई कीजिए ऑर्गेनिक हिना पाउडर। थैंक यू, बाय। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, मैंने जो है हिना अप्लाई कर ली है अपने बालों पर, और अब जो है आप मेरे बालों का कलर देख सकते हैं कितना नेचुरल है, कितना ब्लैक है, और बाल देखिए, एक एक बाल बिल्कुल अलग अलग सिल्की, एकदम रेशमी। तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिए। बाय फ्रेंड्स, देखिए मैंने जो है